नमस्कार, मैं सदफ खान। स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी सर्कल के कैंपस बुलेटिन में। आइए नजर डालते हैं कैंपस की बड़ी खबरों पर। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के चुनावों के परिणामों की घोषणा गुरुवार को की गई। अध्यक्ष पद पर स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस की प्रोफेसर सोना झारिया मिंज ने जीत दर्ज की है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और DU के छात्रों ने महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने तत्कालीन प्रभाव से यूनिवर्सिटी कैंपस में किसी भी तरह के जुलूस और मार्च निकालने पर 10 दिन के लिए बैन लगा दिया है। यह फैसला यूनिवर्सिटी के छात्र सैयद मोहम्मद वसीम के साथ हुई हिंसक घटना के बाद लिया गया है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बॉयज हॉस्टल से 2 कश्मीरी छात्रों को निकाल दिया गया। निकालने की वजह छात्रों का खराब क्वालिटी के खाने पर सवाल करना था। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एकजुट होकर प्रशासन के इस रवैये के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रशासन ने अपना फैसला वापस ले लिया है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशन पर बनाई गई जामिया की खूबसूरत पेंटिंग का शुक्रवार को यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद ने उद्घाटन किया। इस पेंटिंग में जामिया के इतिहास को दिखाने की कोशिश की गई है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को पूरे 3 महीने बाद नया कुलपति मिल गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रोफेसर बालू आनंदा चौपड़े के नाम पर मोहर लगाते हुए उनको यूनिवर्सिटी का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। अभी तक प्रोफेसर नीरज त्रिपाठी कार्यवाहक कुलपति के रूप में यूनिवर्सिटी में कार्य कर रहे थे। हैदराबाद की मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में डॉक्टर GV रत्नाकर की योद्धा अम्बेडकर पुस्तक का लोकार्पण किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने यूनिवर्सिटी छात्र संघ की सेक्रेटरी महामेधा नागर को फॉरन सेक्रेटरी पद से हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि महामेधा नागर यूनिवर्सिटी की छात्र नहीं है। अटेंडेंस कम होने के कारण वो लास्ट सेमेस्टर में परीक्षा नहीं दे पाई थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 14 फरवरी को छात्र संघ का उद्घाटन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में UP के पूर्व CM अखिलेश यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। फाइनेंशियल टाइम्स लंदन की 2018 ग्लोबल MBA रैंकिंग में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और IIM अहमदाबाद की रैंकिंग पिछले साल के मुकाबले नीचे आई है, जबकि IIM बेंगलुरु और कोलकाता ने इस बार तरक्की की है। एडमिशन से जुड़ी जानकारियों के लिए आइए नजर डालते हैं एडमिशन अपडेट्स पर। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 2 फरवरी से दाखिले के लिए आवेदन फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। हर साल की तरह इस साल भी आवेदन फॉर्म ऑनलाइन जारी किए गए हैं। छात्र यूनिवर्सिटी के कुल 193 कोर्स में आवेदन करने के लिए यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट jmi.coe.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने इस बार डिप्लोमा, PG डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के 10 नए प्रोग्राम आरंभ किए हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 7 मार्च है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम अप्रैल से स्टार्ट होंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जारी हैं। यूनिवर्सिटी ने इस साल 5 नए वोकेशनल कोर्स आरंभ किए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए छात्र यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट bhuonline.com पर जाकर देख सकते हैं। दाखिले के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस साल दाखिले के मामले में फिर से BHU से पिछड़ गई है। यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए अभी तक बजट को मंजूरी नहीं दी गई है। पिछले साल भी यूनिवर्सिटी में दाखिले की आवेदन प्रक्रिया 21 अप्रैल को शुरू की गई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी तक आवेदन फॉर्म जारी नहीं किए गए हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते में आवेदन फॉर्म जारी करने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन कमेटी का गठन किया जा चुका है। 19 मार्च से यूनिवर्सिटी में दाखिले की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। कैंपस एक्टिविटीज और एजुकेशनल अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए यूनिवर्सिटी सर्कल के साथ। धन्यवाद।